हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका आपके चैनल विद्या पर। आप लोग स्वस्थ और सही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। आज बात करने वाले हैं 30 की पॉइंट्स ऑफ फाइलम आर्थोपोडा, यानी आर्थोपोडा के जो क्या है 30, हमने क्या की पॉइंट्स लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स पॉइंट लिए गए हैं। इनमें आपका पूरा एक बेसिक जो फंडामेंटल है आर्थोपोडा फाइलम के जो करेक्टर्स हैं उनमें क्या है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स हम आर्थोपोड्स का है वो हमारे एनिमल्स का है। तो फाइलम आर्थोपोड इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इन द एनिमल किंगडम, कंसिस्ट ऑफ द ओवर द 1 मिलियन स्पेसीज। यानी जो हमारा आर्थोपोड्स है ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, यानी जितने भी फाइलम है सब उन सब फाइलमों से क्या है ये बड़ा फाइलम है, क्योंकि इसमें क्या है ओवर 1 मिलियन स्पीसीज, इनमें क्या है 1 मिलियन स्पीसीज के आसपास इसमें क्या है अधिक स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थोपोड, द बॉडी ऑफ द आर्थोपोड्स इज सेगमेंटेड एंड कवर्ड बाई द हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ द काइटिन। यानी इनकी जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स, इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, और हमारी क्या है एक हार्ड सबस्टांस जिसके काइटिन के नाम से जानते हैं उससे क्या होती है ये कवर्ड होती है, जिसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आर्थ्रोपोड्स का वो हमारा क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैव ए जॉइंट अपेंडेजेस, इनमें देखने को मिलेंगे दैट्स मॉडिफाइड वेरियस फंक्शन सच एज द वॉकिंग, स्विमिंग, ग्रैपिंग एंड द फीडिंग। यानी इसमें क्या है जॉइंट्स अपेंडिजेस होते हैं जो हमारे मॉडिफाइड होते हैं फंक्शनली, कैसे क्या होते हैं चलने के लिए, वॉकिंग होते हैं, स्विमिंग यानी तैरने के लिए, ग्रैपिंग्स करने के लिए और फीडिंग करने के लिए हमारे क्या है इसमें जॉइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड, इसमें क्या है गिल्स देखने को मिलेगा, ट्रेकिया देखने को मिलेगा और बुक लंग्स देखने को मिलेगा, किसके लिए रेस्पायरेशन के लिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थ्रोपोड्स के लिए वो हमारा क्या है जस्ट सर्कुलेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज ओपन मिलेगा, इसमें एंड क्या है हीमोलिम्फ मिलता है यानी ब्लड मिलेगा, सर्कुलेट्स इन द बॉडी कैविटी में क्या पूरा पूरा ब्लड यानी बॉडी कैविटी में क्या है सर्कुलेट मिलेगा और ओपन देखने को मिलता है, तो इसमें क्या है लिम्फ होता है, हीमोलिम्फ के नाम से इसको जानते हैं इसके ब्लड को। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, वो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैव ए कम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलेगा विद, इसमें क्या क्या माउथ मिलेगा, एसोफेगस देखने को मिलेगा, स्टमक देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक एंड स्टाइन इंटेस्टाइन इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड्स अ ब्रेन एंड वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड, इसमें देखने को मिलेगी आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स में। आर्थ्रोपोड्स हैव द वेरियस टाइप ऑफ द सेंसरी ऑर्गन सच एज द कंपाउंड आइस, इसमें सिंपल आइस, एंटीनी एंड द क्या है टिम्पैनल ऑर्गन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कंपाउंड आइज देखने को मिलेंगी, सिंपल आइज देखने को इसमें मिलती है, एंटीना आप देखने को मिलेगा और टिम्पैनल ऑर्गन्स इसमें देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स के क्या है एनिमल्स में, ये क्या है सेंसरी ऑर्गन्स है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट्स है आर्थ्रोपोड्स के वो हमारे क्या है आर्थ्रोपोड्स हैव ए रेंज ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इंक्लूड्स है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा और मेटामॉर्फोसिस इसमें क्या है देखने को मिलती है आर्थ्रोपोड्स में। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है हमारा आर्थ्रोपोड्स का, आर्थ्रोपोड्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स, इसमें एग देखने मिलेंगे, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट स्टेज देखने को मिलती है किसमें आर्थ्रोपोड्स, इसका मतलब इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स एग से लेके क्या है अडल्ट तक क्या है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी को ही मेटामॉर्फोसिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं, और इसको क्या है दूसरा टर्म अगर इसको यूज करते हैं तो हमारा क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड्स हैव क्लासिफाइड इंटू 4 सब फाइला, चेलिसरेटा, मैरियापोडा, क्रिस्टेसिया एंड हेग्जापोडा में, इनको 4 सब फाइला में डिवाइड किया गया। तो उनके नाम आपने देखे थे, यही नाम चेलिसरेटा है, मैरियापोडा है, क्रिस्टेसिया एंड हेग्जापोडा में इसको क्या है डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा क्या है सब फाइला चेलिसरेटा है इसकी क्या है करेक्टर्स है, तो जो सब फाइला चेलिसरेटा है इंक्लूड्स इसमें क्या है स्पाइडर्स देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे एंड क्या है हमारा इसमें क्या है हॉर्स स्यू
क्रेप्स देखने को मिलता है किसमें, चेली सेरेटा में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं इसके एग्जांपल, कौन से एनिमल्स हैं किस सब फाइला में देखने को मिलेगा। तो चेली सेरेटा में हमारा क्या है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन और हॉर्स शू क्रैप्स देखने को मिलता है। इसके बाद में सब फाइलम मेरियापोडा है, इसमें इंक्लूड्स इसमें क्या है, सेंटीपीड्स है, मिलीपीड्स देखने को मिलता है मेरियापोड्स में, ठीक है। इसके बाद में सब फाइला है क्रिस्टेशिया है, तो क्रिस्टेशिया में क्या देखने को मिला है, क्रेप्स, लोबेस्टस एंड श्रिम्प्स, श्रिम्प इसमें देखने को मिलता है क्रिस्टेशिया में। इसके बाद में फाइलम हमारा क्या है, हेक्सापोडा में क्या है, इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनके हेक्सामीस क्या होता है, सिक्स पोडामीस क्या होते हैं, पैर्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनको क्या है सिक्स पैर होते हैं, मैंने थ्री पैराफाइट अपेंडिजेस के होते हैं, उनको क्या है सब फाइलम हेक्सापोडा में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा, आर्थ्रोपोड्स प्ले इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल सच एज द पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या है, इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्थ्रोपोड्स, यानी पॉलिनेशन परागण में करेंगे, सीड डिस्पर्सल मीन्स जो सीड्स को बखेरने के लिए काम अच्छा करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले होता है आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स। आर्थ्रोपोड्स कैन आल्सो, ये हमारे क्या हैं, पेट्स हो सकते हैं, कॉजिंग द डैमेज टू क्रॉप एंड ट्रांसमिटिंग डिजीज, ये थोड़े हार्मफुल हो सकते हैं, हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, ये पेस्ट्स होते हैं, मीन्स जो हमारे क्या काम करेंगे, ये कर सकते हैं क्रॉप को डैमेज करते हैं, फसल को बर्बाद कर सकते हैं, और हमारे क्या ट्रांसमिट क्या है डिजीज़ को फैलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थ्रोपोड्स का, वो हमारे इंसेक्ट्स आर मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स विद ओवर द 1 मिलियन स्पीसीज नोन, इसमें क्या है बहुत सारे डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसमें 1 मिलियन से अधिक इसमें क्या है स्पसीज पाई जाती हैं, किसमें, इस वाले ग्रुप में आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है आर्थ्रोपोड्स का, वो हमारा क्या है, इंसेक्ट्स हैव ए थ्री बॉडी रीजन्स देखने को मिलेगा, मीन्स इसमें आर्थ्रोपोड्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या बॉडी बॉडी प्लान कैसा होगा, तो थ्री रीजन में डिवाइड होता है, तो हेड हेड देखने को मिलेगा, थोरेक्स देखने को मिलेगा, और इसमें क्या है एबडोमेन देखने को मिलेगा, मीन्स हेड थोरेक्स और एबडोमेन उनकी बॉडी प्लान होती है। इसके बाद इंसेक्ट्स हैव ए थ्री पेयर ऑफ द लेग्स ऑफिन हैव ए द विंग्स, यानी इसमें क्या होता है जो हमारे इसके इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट हमारे कैसे होते हैं, इनमें क्या है थ्री पेयर्स हमारे क्या है लेग्स के देखने को मिल देंगे, तो थ्री पेयर्स हमारे लेग्स देखने को मिलते हैं तो इसमें, ठीक है, तो ये हमारे, और इनमें क्या मिलेगा हमारे क्या है विंग्स भी इसमें देखने को मिलते हैं इसमें, तो ये हमारे क्या है विंग्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आर्थ्रोपोड्स के बहुत क्या है एक पिक्यूलियर करेक्टर हमारा क्या होता है, इसमें क्या है थ्री पेयर ऑफ द लेग्स एंड ऑफन विंग्स, ठीक। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारा क्या है, इंसेक्ट्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इसके इंसेक्ट होते हैं अंडरगो यानी होते हैं मेटामॉर्फोसिस विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड द अमेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस एंड होलो मेटाबोलस, इसमें क्या है मेटामॉर्फोसिस होती है। अब मेटामॉर्फोसिस के मीन्स समझ लीजिए, इसका मीन्स होता है इनमें क्या चेंजेज आती है, मीन्स इनके एग से लेके यानी एग से फिर लार्वा से लेके अडल्ट तक इनमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइस किया गया है। आ मेटाबोलस मीन्स होता है ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें क्या होते हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मीन्स उनका लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज यानी सेम देखने को मिलते हैं, मीन्स कोई इसमें चेंजेस नहीं होते, उसे आ मेटामोलिस। हेमी मेटाबोलिस मीन्स होते हैं ऐसे इंसेक्ट जिनमें क्या होता है जैसे इनके क्या है लार्वल स्टेज में जैसे क्या है विंग्स प्रेजेंट, विंग्स अब्सेंट और इसमें क्या है रिप्रोडक्टिवली अब्सेंट मिलेंगे, तो इनको क्या हेमी मेटाबोलिस मिलते हैं। होलो मेटाबोलिस मीन्स क्या होते हैं, इनमें क्या है ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या है लार्वल स्टेज में सब कुछ चेंजेस होता है और अडल्ट स्टेज में बिल्कुल चेंजेस, मतलब लार्वल और अडल्ट दोनों में क्या है बहुत सारे डाइवर्सिटी इनको देखने को मिलेगा, मीन्स उनके क्या फिजिकली करेक्टर्स एंड बिहेवियर करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उसी को भी क्या है तीन कैटेगरीज में डिवाइड गया, अमेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस एंड होलो मेटाबोलस, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है इंसेक्ट का वो हमारे क्या है, वो है इंसेक्ट्स हैव ए वेरियस टाइप ऑफ द माउथ पार्ट इन सच एज द च्युइंगम मिलेंगे, हैं पियर्सिंग इनको देखने को मिलेंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग एंड द स्पंजिंग देखने को मिलेंगे, मीन्स तीन प्रकार के माउथ पार्ट में च्युइंगम देखने को मिलेंगे, पियर्सिंग सकिंग देखने को मिलेंगे एंड स्पंजिंग देखने को मिलता है। इंसेक्ट हैव ए कंपाउंड आइज देखने को, कैन डिटेक्ट द पोलराइज्ड लाइट, कैन सी अल्ट्रा वायलेट एंड द इंफ्रारेड लाइट, यानी ऐसे इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के ये हमारे क्या है कैन डिटेक्ट कर सकते हैं
पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी ये देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड को लाइट को क्या आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इंसेक्ट कम्युनिकेट थ्रू द वेरियस मीन्स सच एज द, इनमें क्या है फेरोमोन्स देखने को मिलेगा, साउंड देखने को मिलेगा और क्या है विजुअल सिग्नल्स इसको देखने को मिलते हैं। ये क्या है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे क्या है फेरोमोन्स के द्वारा। आपने देखा होगा चींटी होगी तो चींटी एक ही कतार में चलती चली जाएगी बिल्कुल एक लाइन में, क्यों, क्योंकि वो अपने पीछे क्या है जो क्या है फेरोमोन्स को क्या रिलीज़ करती हैं, तो उन्हीं को फेरोमोन्स है ना, तो फेरोमोन्स होते हैं तो उन्हीं को देखते देखते बिल्कुल एज इट उसी लाइन में और भी चींटियाँ चलती चली जाती हैं। तो क्या है फेरोमोन्स क्या है रिलीज़ करती हैं, साउंड रिलीज़ करती हैं एंड क्या विजुअल सिग्नल्स रिलीज करती हैं फॉर द कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्पाइडर, स्पाइडर आर द आर्किनिक्स एंड हैव टू बॉडी रीजन्स, एक सिफेलोथोरेक्स एंड द एब्डोमेन देखने को मिलेंगे। जो स्पाइडर्स होते हैं उनमें टू बॉडी रीजन्स प्लांट्स पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं सिफेलोथोरेक्स इसके नाम से जानते हैं और एब्डोमेन नाम के जानते हैं, और किस में बिलोंग करते हैं आर्किनिड्स में क्या है ये बिलोंग करते हैं। ठीक, तो स्पाइडर्स हैव फोर पेयर ऑफ द लेग्स, स्पाइडर्स होते हैं वो क्या है फोर पेयर ऑफ द लेग्स एंड यूज बेनम टू कैप्चर देयर प्रे, और ये क्या है एक बेनम को सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, कैप्चर मीन्स प्रे, प्रे मीन्स क्या होता है इनके क्या शिकार को यूज़ करने के, देयर प्रे शिकार यूज़ करने के लिए बेनम का यूज़ करते हैं, और इनमें क्या है फोर पेयर करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कई बार पूछा गया है तो ये इंसेक्ट में इसको क्या है इंक्लूड नहीं करते हैं, किसको स्पाइडर को। ठीक है, तो स्कॉर्पियंस आर आल्सो आर्किनिड्स एंड हैव ए द सेगमेंटेड बॉडी विद अ स्टिंगर ऑन द एंड ऑफ द देयर टेल। ठीक है, स्कॉर्पियंस इसमें क्या है ये भी आर्किनिड्स को बिलोंग करता है और बॉडी प्लान सेगमेंटेड होती है, लेकिन इसमें क्या है स्टिंगर पाया जाता है ऑन द टेल्स स्कॉर्पियन, तभी तो बिच्छू आपने देखा हो उसकी टेल्स पे क्या होते हैं, इसकी टेल्स पे एक क्या होते हैं यहाँ पे क्या है स्टिंग पाया जाता है, इसी की वजह से ये क्या है इसको क्या है डंक को मारता है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पॉइंट है आर्थ्रोपोड का वो है क्रस्टेशियंस हैव टू पेयर, एक इनमें क्रस्टेशियंस होते हैं वो टू पेयर इन देखने को मिलते हैं, यानी एंटीना मिलेगा, हैव वेरी स्टाइफ ऑफ द अपेंडेजेस सच एज द वॉकिंग लेग्स एंड और चैलीपीड्स एंड द स्विमरेट्स, इसको देखने को मिलते हैं किसमें क्रस्टेशियंस में। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारे क्या है क्रस्टेशियंस हैव ए डाइवर्स रेंज बॉडी फॉर्म इंक्लूड्स तक फ्लैटेंड देखने को मिलेंगे, एलंगोटेड होते हैं और स्फेरिकल शेप होते हैं, कौन क्रस्टेशियंस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैव ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोथ पेस्ट एंड द सोर्स ऑफ द फूड मेडिसिन एंड द अदर प्रोडक्ट्स के, इसमें क्या है सोर्सेस देखने को मिलते हैं, तो इसके जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो ये हमने क्या है 30 पॉइंट्स आपके संग डिस्कस किए थे, ये हमारे क्या है NCERT वेस्ट थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। साथियों अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हैं एजुकेशनल से संबंधित आपको क्या है बातें शेयर की जाती हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं शेयर किए जाते हैं। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।